महाराष्ट्र के कला व वाणिज्य महाविद्यालय अकलकुवा के समीधा शब्द संस्कृति मंच द्वारा शिमला में श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल कला संस्कृति व भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में देश विदेश के वक्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 21वीं सदी में श्रीमद् भगवद गीता की महत्ता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित हो रही इस संगोष्ठी में देश भर के वक्ताओं सहित विदेशों से भी विचारक अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बाबत अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर मोनिका देवी ने बताया कि आज के समय में लोग गीता की महत्ता को भूलते जा रहे हैं और युवाओं को संस्कृति और धार्मिकता से जोड़ने की जरूरत है। आज युवा वर्ग अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है, इसलिए भगवद गीता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश इन कार्यक्रमों के माध्यम से की जा रही है। इस संगोष्ठी का जो हमने विषय रखा है वो है 21वीं सदी में श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता। विषय इसलिए चुना है क्योंकि आज हमारा युवा, हर घर में ये परेशानी आ रही है कि हमारे बच्चे हमारे संस्कार छोड़ते जा रहे हैं। ये संस्कृति संस्कार दोनों का हमने अनुसरण करते हुए कि बच्चों को धार्मिकता क्या है, धर्म के नाम पर आप लड़ने के लिए आ जाते हैं कि धर्म क्या है, बिना जाने हुए आप उससे की ओर बढ़ रहे हैं। कितने युवाओं ने आज गीता पढ़ी है, इवन जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, नवंबर से हमारा शुरू हुआ था, तब से मैंने 3 बार गीता पढ़ी है। उससे पहले मैंने आज तक कोई भी मतलब श्लोक वगैरह 1 या 2 ही पढ़ा था, ज़्यादा मैंने नहीं पढ़े थे। हमारे संगोष्ठी करने का जो उद्देश्य है शिमला में, कि एक तो शिमला की जो संस्कृति है उससे हमारे पूरे भारत के 28 राज्यों में से 25 राज्यों से हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। 7 देशों के इसमें लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है। रूस, नीदरलैंड और जापान से हमारे साथ आए हुए हैं। जापान की मैडम जा चुकी हैं क्योंकि उनको जल्दी जाना था। और तो ये हमारा यही उद्देश्य है इसका। हमारा जो सर ने हमारा साथ दिया है, सहयोग देने वाले सुदर्शन वशिष्ठ जी हैं शिमला से, अगर ये साथ ना देते तो हम लोगों का ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो 2 दिनों का ये कार्यक्रम है, क्या है इसकी? हाँ, इसकी विशेष रूपरेखा ये है कि जो इसके अलग अलग वक्तव्य हमने रखे हैं, जैसे अभी हमारा उद्घाटन सत्र हुआ था उसमें डॉक्टर ओमेश जी आए हुए थे, जो पद्मश्री है, यहाँ से आपके शिमला से ही हैं, और उन्होंने उद्घाटन सत्र किया। उसके बाद अध्यक्ष का वक्तव्य चला है। अभी प्रथम सत्र में महाराष्ट्र से सर बैठे हुए हैं, डॉक्टर गणपत जी। उसके बाद फिर रूस से आएंगे, रूस से अध्यक्षता करेंगे। सेकेंड सत्र की अभी सेकेंड चल रहा है। इसके बाद भोजन विराम है, फिर हमारा तीर्थ सत्र होगा, फिर हमारा जो सम्मान समारोह है वो चतुर्थ सर होगा 4 बजे तक। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।